शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करने में सफलता पाई। उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको कोर्ट भेज दिया गया। सीधी के रहने वाले युवक ने रीवा में पढ़ाई के दौरान एक लड़की को शादी का झांसा दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की की शिकायत के बाद आरोपी को समान थाना पुलिस ने 24 घंटे में ही गिरफ्तार करने में पाई सफलता। मिली जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल को लड़की ने समान थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी पहचान आज से 3 साल पहले सीधी के एक युवक से हुई थी, जो ग्राम पड़खुरी थाना चौहट जिला सीधी का रहने वाला था। उसने पहले उससे फोन में बातचीत की, उसके बाद उसे शादी करने की बात कही और अपने कमरे में बुलाकर पिछले 7 जुलाई 2022 को उसने शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। उसके बाद लड़की को वो अक्सर इधर उधर बुलाता था और शादी की बात ही कहकर दुष्कर्म करता था। अब जब लड़की ने शादी के लिए दबाव डाला तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया। साथ ही वह लड़की को जान से मारने की बात भी कह रहा था। इस बात की जानकारी लड़की ने अपने परिजनों को दी। लड़की के परिजन लड़की को लेकर रीवा के समान थाना पहुंचे, वहां उन्होंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 156/23 धारा 376 2N 506 भारतीय दंड विधान का अपराध कायम कर जांच में लिया। जांच के दौरान आरोपी को ग्राम पड़खुरी थाना चौराहट से गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई। पुलिस ने आरोपी को 8 अप्रैल को रीवा के न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल वारंट मिलने के बाद उसको रीवा के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।